सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें लेटेस्ट अपलोडेड न्यू वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। मैं आपके लिए लगातार डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लाते रहूंगा। यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षा के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तथा फ्रेंड, मैंने वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और उसका राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। आज हम 14 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड तथा कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो की PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था हाल ही में ASCII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष कामत। ASCII के नए अध्यक्ष सुभाष कामत बने हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किसने कैश एडवांस नामक क्रेडिट सुविधा शुरू की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेजर पे। रेजर पे ने कैश एडवांस नामक क्रेडिट सुविधा शुरू की है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। MSME को बचाने और उनके नकदी प्रवाह में सुधार करने के लिए रेजर पे ने कैश एडवांस नामक संपार्श्विक मुक्त लाइन ऑफ क्रेडिट शुरू की है। MSME व्यवसाय के क्रेडिट इतिहास के आधार पर रेजर पे डैशबोर्ड के माध्यम से 10 सेकेंड के भीतर 50,000 से 10 लाख रुपए की क्रेडिट सीमा के साथ कार्यशील पूंजी उधार ले सकते हैं। कैश एडवांस एक क्रेडिट प्रस्ताव को अनुमोदित करने के लिए व्यवसायिक के भुगतान इतिहास का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस बैंक ने फुल पावर डिजिटल बचत खाता लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने फुल पावर डिजिटल बचत खाता लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक के बारे में जानकारी देख लीजिए। एक्सिस बैंक लिमिटेड एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1993 में अहमदाबाद में हुई थी। इसके CEO अमिताभ चौधरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके सहयोग से पहली बार कैनविस दवा परियोजना जम्मू में स्थापित की जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा। कनाडा के सहयोग से पहली बार कैनविस दवा परियोजना जम्मू में स्थापित की जाएगी। कनाडा के बारे में जानकारी देख लीजिए। कनाडा उत्तरी अमेरिका का एक देश है। यह महाद्वीप के उत्तर भाग में स्थित है जो अटलांटिक से प्रशांत महासागर तक और उत्तर में आर्कटिक महासागर तक फैला हुआ है। इसकी राजधानी ओटावा है। सबसे बड़ा नगर ओटंको है। इसके गवर्नर जनरल डेविड जॉनस्टक है। प्रधानमंत्री जस्टिन टुंडो है। इसका संविधान लागू हुआ था 1 जुलाई 1867 को और कनाडा अधिनियम में अप्रैल 17 को 1982 में इसका लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी स्टार्टअप को बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। स्टार्टअप को बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने के मामले में गुजरात राज्य शीर्ष पर रहा है। गुजरात के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। गुजरात पश्चिम भारत में स्थित एक राज्य है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद। राजभाषा गुजराती। गठन हुआ था 1 मई 1960 को। इसके राज्यपाल आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। विधानसभा की सीटें 182, राज्यसभा की सीटें 11, लोकसभा की सीटें 26 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डाक योजनाओं की 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित कराने के लिए किसने 5-स्टार विलेज योजना शुरू की है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय डाक विभाग। भारतीय डाक विभाग ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 5-स्टार गांव स्कीम शुरू की है। स्कीम के जरिए गांव तक नहीं पहुंचने वाली योजनाओं को पहुंचाया जाएगा। 5-स्टार गांव योजना के जरिए पोस्ट ऑफिस के सभी प्रोडक्ट यानी सभी स्कीम को ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए जारी किया जाएगा। पोस्ट ऑफिस की सभी ग्रामीण ब्रांच गाँव के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 1-स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में थीएम यूएस ओपन के फाइनल में पहुंचने वाले किस देश के पहले खिलाड़ी बने हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, ऑस्ट्रिया। थीएम यूएस ओपन के फाइनल में पहुंचने वाले ऑस्ट्रिया देश के पहले खिलाड़ी बने हैं।
ऑस्ट्रिया देश के बारे में जानकारी देख लीजिए। मध्य यूरोप में स्थित एक स्थल युद्ध देश है, इसकी राजधानी वियना है। राष्ट्रपति हेज फिशर हैं और चांसलर वार्नर फेमन है। इसका स्वतंत्रता 27 जुलाई 1955 को हुई थी। इसकी मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11.5%। मूडीज ने वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी 11.5% तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीडीपी इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य के सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। मूडीज, मूडीज के बारे में जानकारी देख लीजिए। मूडीज कॉरपोरेशन अमेरिका की एक कंपनी है जो बिजनेस और आर्थिक मामलों से जुड़ी हुई है। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में, मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में। इसके संस्थापक जॉन मूडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 का पता लगाने के लिए किस आईआईटी ने सेल्फ चेक कियोस्क विकसित किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आईआईटी गुवाहाटी। कोविड-19 का पता लगाने के लिए आईआईटी गुवाहाटी ने सेल्फ चेक कियोस्क विकसित किया है। आईआईटी गुवाहाटी के बारे में जानकारी देख लीजिए। आईआईटी गुवाहाटी भारत और विश्व का प्रमुख तकनीकी शिक्षा संस्थान है। यह संस्थान असम के गुवाहाटी में स्थित है। इसके निदेशक गौतम विश्वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश द्वारा ओमन सागर में जोलफ्रॉग 99 नाम का एक नौसैनिक अभ्यास किया जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईरान। ईरान देश द्वारा ओमन सागर में जेलफ्रॉग 99 नाम का एक नौसैनिक अभ्यास किया जा रहा है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी तेहरान है, करेंसी तोमान है और इसके राष्ट्रपति हसन रूहानी है। उपराष्ट्रपति परवेज दाफूदी है। न्यायिक व्यवस्था के प्रमुख महमूद हाशमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 सितंबर। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से यह निर्णय लिया गया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। इस महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सितंबर माह के कुछ इंपोर्टेंट डे हैं, उनके बारे में आपको रिविजन करा देता हूँ। 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। 2 सितंबर को नारियल दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म जयंती पर मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है और 15 सितंबर को लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को ही संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है और शांति और अहिंसा के लिए दिन मनाया जाता है। 22 सितंबर को रोज डे मनाया जाता है कैंसर रोगियों का कल्याण के लिए। 23 सितंबर को सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 26 सितंबर को डे ऑफ डे दिवस मनाया जाता है और विश्व गर्भ निरोधक दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटक दिवस मनाया जाता है और विश्व समुद्री दिवस भी मनाया जाता है। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। सितंबर का चौथा रविवार को विश्व नदी दिवस मनाया जाता है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और इसका जो राइट आंसर रहेगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। गृह मंत्रालय ने किस धार्मिक मंदिर को विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम पंजीकरण की मंजूरी दी है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।
वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आपका कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें।